सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख सीटों पर जिस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, उन दोनों ही सीटों पर बाय इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को हार मिली है। ये दोनों ही सीटें बीजेपी ने जीत ली और जीतने के बाद अब ये मंथन करना जरूरी है कि आखिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कमियां कहां पर रह गई थी। हार होने के बाद लगातार अब उनके जो गठबंधन के साथी हैं वो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पे, उनके कार्यकर्ताओं नेताओं पर जो कमरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं उनको लेकर के बयान जारी कर रहे हैं, उनको लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और अब यहां पर एक मंथन करने की बहुत जरूरत है समाजवादी पार्टी के नेताओं को, नेतृत्व को, कि अब 24 की लड़ाई भी क्या इसी तरह से लड़ी जाएगी। क्या कारण वो रहे हैं कि जिस वजह से इन दोनों ही सीटों पर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, जो दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी हार गई। उन कारणों का पता लगाना बहुत जरूरी है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपनी टीम के साथ बैठ करके मंथन विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। गठबंधन के साथियों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। रूठों को मनाना बहुत जरूरी है कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो गई कि जिन दो सीटों पर हम अपने सांसद जिता करके लाए थे उस समय जब बीजेपी बड़े पैमाने पर देश में जीत रही थी, उन सीटों को भी हमने अपने उपचुनाव में गंवा दिया। आजमगढ़ और रामपुर की वो सीटें जहां पर अखिलेश यादव और आजम खान सांसद थे, विधानसभा चुनाव के बाद दोनों ने अपनी सीटें छोड़ दी और इन दोनों सीटों पर जब उपचुनाव हुआ तो एक सीट पर बीजेपी के दिनेश लाल यादव और दूसरी सीट पर घनश्याम लोधी जीतते हुए नजर आए। और दोनों ने अपनी जीत के बाद यह भी कहा है कि जनता ने हमें सपोर्ट किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास फिर से वही बयान था कि हम जनता के इस जो उनका जो मैंडेट है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। कुछ लोगों में माइनॉरिटीज के लिए बयान जारी किया गया कि हम माइनॉरिटीज को समझा नहीं पाए, हम मुस्लिमों को समझा नहीं पाए, क्योंकि दोनों ही जगहों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। और इन दोनों ही सीटों की अगर बात करी जाए तो दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी बीजेपी के मुकाबले ज्यादा मजबूत थी। आजमगढ़ वो जगह जहां पर जो 10 विधानसभा की सीटें हैं, 10ों की 10 समाजवादी पार्टी के पास 2022 के चुनाव में आई हैं। और रामपुर की वो सीटें जो जिनकी संख्या 5 है और 5 में से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में और 2 जो है वो बीजेपी के खाते में 2022 के चुनाव में आई थी। 19 के चुनाव में दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी लोकसभा की, लेकिन उसके बावजूद ये सारा गुड़ा गणित जो था वो इस उपचुनाव में फीका पड़ गया और समाजवादी पार्टी को हार देखनी पड़ी। वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा। एक सीट पर जहां पर आजम खान पूरे दमखम के साथ लगे थे, उन्होंने सिंपथी वोट गेन करने की कोशिश की, जनता के बीच जाकर ये बताने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से बीजेपी की तरफ से मुझे प्रताड़ित किया गया, हमारे साथ अन्याय किया गया, क्या क्या हुआ सबको पता है, किस तरह से मुकदमे ला दे गए, लेकिन उन बातों का भी कुछ खास असर नहीं पड़ा और करीब 50,000 वोटों से वो सीट भी समाजवादी पार्टी ने गंवा दी, रामपुर की वो सीट। आजमगढ़ की वो सीट जहां से दिनेश लाल यादव प्रत्याशी थे, आखिरी दिन आखिरी समय पर धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया और वहां से धर्मेंद्र यादव ने नामांकन किया, चुनाव भी मजबूती से वो लड़े, पूरा समय वो आजमगढ़ की संसदीय सीट पर मौजूद रहे, जनता के बीच जाते रहे, लेकिन इन सबके बीच में सवाल कई सारे थे और वो सवाल ये थे कि क्या कोई लोकल नेता समाजवादी पार्टी को नहीं मिला, क्या आखिरी समय पर ही प्रत्याशी घोषित करना समाजवादी पार्टी की अब हॉबी हो गई है, अखिलेश यादव इस सीट पर अभी तक क्यों नहीं आए, अखिलेश यादव के ना आने की क्या नाराजगी है, शिवपाल सिंह यादव को एक बार फिर से क्यों किनारे किया गया, कई सारे जो सवाल थे वो चुनाव के समय समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, जनता पूछ रही थी, लोग पूछ रहे थे, वोटर पूछ रहा था और उन सवालों के जवाब कोई भी देना नहीं चाह रहा था। सबने कहा था कि ये एक अलग तरह की रणनीति है और ये हमारी परंपरागत सीट है, इसने हमारी हमेशा इज्जत बचाई है, इस बार भी हम यहाँ से जीत कर जाएंगे, जश्न मनाएंगे। कल भी इस तरह का बयान जब काउंटिंग चल रही थी तो उस दौरान धर्मेंद्र यादव का आया था, लेकिन जब नतीजे आए तो इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं पानी फिर चुका था क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस सीट को गंवा दिया था। तो सवाल और जो
समस्या है उसको जानने की कोशिश क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से अभी तक हुई है? विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उन नतीजों के बाद भी विचार विमर्श मंथन क्यों नहीं किया गया? क्यों विधानसभा चुनाव की तरह आखिरी समय पर बाहर के कैंडिडेट को आजमगढ़ में उतारा गया? क्यों अखिलेश यादव ने इस सीट पर जाना बिल्कुल भी सही नहीं समझा? जनता के बीच वो क्यों नहीं गए? धर्मेंद्र यादव इस बात को क्यों कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों को नहीं समझा पाए, मुस्लिम वोटर्स को नहीं समझा पाए? क्यों गठबंधन के साथ ही ओम प्रकाश राजभर की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि मायावती और अखिलेश की लड़ाई में लोगों का नुकसान हो रहा है, वोटर का नुकसान हो रहा है, दलितों का नुकसान हो रहा है? ऐसी बातें क्यों निकलकर सामने आ रही हैं? इन बातों पर चुनाव से पहले क्यों नहीं विचार विमर्श किया गया? इन सवालों के जवाब पहले क्यों नहीं ढूंढे गए? इसको अब ढूंढना बहुत जरूरी है क्योंकि अब एक और बड़ी लड़ाई 2024 की होने वाली है देश में, प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश इस चुनाव में, इस लोकसभा के चुनाव में सबसे अहम प्रदेशों में माना जाता है। 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार भी 60 प्लस सीटें जीती थी, इस बार भी उन्होंने कहा है कि हम इस बार और बड़े पैमाने पर यहां पर सीटें जीतेंगे। तो ऐसे में जो गठबंधन है, ऐसे में जो विपक्षी दल है, उनको पूरी जो प्लानिंग है वो अभी से करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर अभी भी अपनी हार पर, उन मुद्दों पर, उन सवालों पर चर्चा नहीं की गई तो 24 का चुनाव और उसके नतीजे भी इसी तरह से होंगे, ये मान के रखिएगा। अखिलेश यादव के ना जाने से कहीं ना कहीं काफी नुकसान हुआ। अगर आधे घंटे के लिए भी अखिलेश यादव चले जाते तो शायद आजमगढ़ में 8-10 हजार वोट बढ़ जाता। जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव क्यों नहीं आए, और अगर अखिलेश यादव चले जाते तो शायद कुछ वोटों की संख्या बढ़ जाती और समाजवादी पार्टी वहां से जीत सकती थी। लेकिन अखिलेश यादव नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्या कारण रहा? कुछ पॉलिटिकल पंडित ये भी कहते आए हैं नजर कि धर्मेंद्र यादव का पॉलिटिकल करियर खत्म करने का एक प्रयास किया गया था इस सीट से, उनको यहां से उतार करके। क्या ये वही था? क्या कारण रहा? क्या इस सीट पे अगर धर्मेंद्र यादव के अलावा कोई और प्रत्याशी, या फिर अखिलेश यादव जिस तरह से डिंपल यादव का नाम ले रहे थे, या फिर पार्टी की तरफ से नाम चल रहा था कि क्या डिंपल यादव वहां से प्रत्याशी होती तो क्या अखिलेश यादव तब भी नहीं जाते? कई सारे जो सवाल हैं उन सवालों पर मंथन विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। विधानसभा चुनाव के समय जिस एक सिंगल चेहरे ने पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव समाजवादी पार्टी के चेहरे के रूप में लड़ा था, वो चेहरा इस उपचुनाव में बिल्कुल नदारद रहा। बयान जारी नहीं हुए, कुछ भी, कोई भी गतिविधि नहीं रही, रामपुर में भी कोई गतिविधि नहीं रही अखिलेश यादव की। क्या कारण रहा? क्यों अखिलेश यादव पीछे रहे? क्या किसी चीज की नाराजगी उनके अंदर भी है? क्या वो समस्याएं रही हैं कि वो अपने गठबंधन के साथियों की बात नहीं मान रहे हैं? अखिलेश यादव से पहले शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी सबको पता है, इस बार भी उनको इस चुनाव से दूर रखा गया। ओम प्रकाश राजभर का लगातार हार के बाद से बयान आ रहा है कि क्यों अखिलेश यादव इसी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। चुनाव टीम के साथ लड़ा जाता है, टीम से अलग होकर के इसी कमरे में बैठकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो सलाह है, वो क्यों गठबंधन के साथी अखिलेश यादव को दे रहे हैं? और अखिलेश यादव इन सारी बातों से हट करके उलट अपनी ही धुन में काम कर रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब जो है वो समाजवादी पार्टी को ढूंढना, समझना बहुत जरूरी है। और अगर 24 की लड़ाई मजबूती से लड़नी है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इन सारे सवालों के जवाब भी सामने आकर के देना अब बहुत जरूरी हो गया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस जीत के मायने क्या थे, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सीटों को क्यों हार गई, क्या वो प्रमुख कारण रहे कि अखिलेश यादव इन दोनों ही सीटों पर अपना जो जनता से जो उनका इंटरेक्शन था उससे उनको उन्होंने दूरी बना रखी थी, कैंडिडेट से उन्होंने दूरी बना रखी थी, क्या वो प्रमुख कारण रहे और आगे की क्या रणनीति रहेगी, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुनिए, उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। सबका साथ और सबके विश्वास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है जी। डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं ना कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है, एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है वैसे आजमगढ़ का भी होगा और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। चुनावी नतीजे कहाँ है, चुनाव था ही कहाँ, इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोल्ट का पोलिंग स्टेशन
और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की, 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का 1 वोट, तो वो भी आप ही बताइए। हमने तो सहा है, जो सहा है वो बताइए आप, हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? आप फिर क्या देख रहे हैं? आपकी ये चौथी आंख क्या देख रही है? जब आप ही को नहीं दिख रहा है तो हम तो पैदाइशी अंधे हैं। उसे चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित किसान नौजवान बेरोजगार हैं उनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। ना अहंकार अखिलेश यादव का कि जिस पार्लियामेंट सीट से उनके पिताजी एमपी थे फिर वो बने, आप वहां पर जाते भी नहीं लोगों को बताने के लिए कि वो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इतना अहंकार। ये सब देखे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो अपने अपने स्वीकार करो। अब सबको पता है, सबको, और हार जीत को सब स्वीकार करें। नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए और उनके अपने नेताओं की तरफ से बयान थे। कुछ लोगों ने, आजम खान ने वोटिंग को लेकर के भी नाराजगी जताई है, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के गतिविधियों को लेकर के नाराजगी जताई है, और शिवपाल सिंह यादव इस बात को कहते हुए नजर आए हैं कि हार जीत को एक्सेप्ट करना चाहिए लेकिन उनके कारणों को पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो डबल इंजन वाली बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कमाल करते हुए दोनों ही सीटों को जीत तो लिया, जीतने के लिए और जीतने से पहले कितनी कोशिशें इनकी तरफ से की गई वो सबने देखा कि उत्तर प्रदेश की इन दोनों ही सीटों पर मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम बड़े चेहरे जो थे प्रचार प्रसार करते हुए जनता के बीच जाते हुए रोड शो करते हुए नजर आ रहे थे, और पूरी कोशिश पूरा प्रयास लगा हुआ था कि कुछ भी करके इस बार इन उपचुनाव में इन दोनों सीटों को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों सीटों को जीतने से ये पता चल जाएगा कि 24 में क्या होने वाला है, 24 के लिए कितनी तैयारी बीजेपी की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से की गई है, और विपक्षी दलों को ये समझना ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अपना गढ़ किसी भी सीट को ना माने। ये सभी राजनीतिक दलों के लिए है, अगर उनके दिमाग में कोई भी बात ऐसी चल रही है कि ये प्रमुख सीट हमारी अपनी है, ये प्रमुख सीट हमारी परंपरागत सीट है, यहाँ पे हम किसी को भी उतार देंगे तो जीत जाएंगे, तो दरअसल अब इन बातों को दिमाग से निकाल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर के नतीजे लगभग यही बताते हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। दोनों ही सीटों पर मजबूत नेताओं का जो दमखम रहा है वो हमेशा दिखा रहा है। आजमगढ़ वो सीट जिसने हमेशा समाजवादी पार्टी की लाज बचाई, इज्जत बचाई, मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से जीतते हुए आए, लेकिन इस बार जो नतीजे आए उस नतीजों से ये साफ साबित हो गया कि कोई भी सीट किसी भी राजनीतिक दल की बपौती नहीं है, कोई भी उलटफेर किसी भी वक्त हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी राजनीतिक दल ज़्यादा सक्रिय है, ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा जनता के बीच जा रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है, विपक्ष को धरातल पर उतरने नहीं दे रहा है, विपक्ष को उलझाने में कामयाब हो रहा है, वही जीतेगा। और बीजेपी ने इसी पिच पर काम किया, इसी पिच पर खेला, और पिच पर खेलने के साथ साथ उन्होंने अपनी जीत जो है वो हासिल की। दोनों ही प्रमुख सीटें थीं, दोनों ही प्रमुख सीटों पर अच्छे अंतरों से बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, लेकिन अब समाजवादी पार्टी को आगे की रणनीति सोचना, समझना, विचार करना बहुत ज़रूरी है। हार पर मंथन करना बहुत ज़रूरी है, हार को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और एक्सेप्ट करने के साथ हार के कारणों को पता लगाना भी बहुत ज़रूरी कि आखिर वो क्यों हार गए, क्या क्या वो प्रमुख कारण रहे कि आखिर उन्हें ये हार देखनी पड़ी, वो भी उन सीटों पर जहां पर वो फुल कॉन्फिडेंट में थे कि हम जीत जाएंगे, हम इस बार इन दोनों सीटों को बचा ले जाएंगे। फिलहाल सभी मेहमान जो है वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अतीक खान थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं, सत्यजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रसपा से प्रवक्ता हैं, नवेश शिको साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं, और सुभाष चंद्र यादव हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं। सभी मानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तारिक भाई मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि लगातार आपको और आपकी पार्टी से जुड़े हुए जो सवाल है वो जनता और आपके गठबंधन के साथी पूछ रहे हैं कि आखिर इस हार का कारण क्या रहा, आपकी नज़र में वो कारण क्या रहा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव टाइम पर नहीं पहुँचे, अखिलेश यादव ने बिल्कुल भी खबर नहीं ली इन दोनों ही सीटों को, अखिलेश यादव अगर चले जाते
तो शायद 8-10,000, 12,000, 50,000 वोट बढ़ जाता तो शायद इन दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं कुछ और रिजल्ट निकल कर सामने आता। ये भी बताया जा रहा है कि आप लोगों ने कैंडिडेट सही तरीके से नहीं उतारा, रामपुर में क्या मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारना एकमात्र आप लोगों के सामने विकल्प था, कोई हिंदू कैंडिडेट को भी उतारा जा सकता था, कुछ और भी आप लोग कर सकते थे। आजमगढ़ में आपने बदायूं के पूर्व सांसद को उतार दिया, क्या वो कारण रहे आप लोगों के, क्या अब तक आप लोगों ने विचार विमर्श किया और अब आगे की क्या रणनीति? चुनाव हुआ है, सबसे पहले तो ये मान लिया जाए कि हम हारे हैं और उसकी समीक्षा भी करेंगे कि उसके क्या वजह रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी जैसे आपने कहा कि वहां पर अभी आपने अपने जब आप पहले बोल रहे थे आपने कहा था कि रामपुर सबसे ज्यादा आजमगढ़ का एक तरीके उनका आजम खान साहब का गढ़ है, तो वहां से उन्हीं का कैंडिडेट दिया गया था, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से रणनीति गलत नहीं थी कि आजम, क्योंकि आजम खान सब लोग जानते हैं आजम खान नाराज चल रहे थे, तो उनके कंसल्टेशन से अब अगर कहीं आजम खान के अलावा किसी और को उनके कंसल्टेशन के बगैर दे देते तब तो इस टाइम हम लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा होता कि आपने आजम खान को फिर से किनारे कर दिया। देखिए हारने के बाद मिलियंस, सौ नहीं हजार सवाल हमसे पूछे जाएंगे, हम मान रहे हैं कि ये हमारी हार है, हमें समीक्षा करने की जरूरत है और ये सीट जो हम जीते थे वो हमने लूज की है, मतलब कुछ हमारे पास था वो हमसे चला गया है, वो गया उसके लिए गहन अध्ययन हम करेंगे, क्यों गया, उसके पीछे की वजह क्या है। जैसे आपने कहा कि एक रामपुर में एक वजह और वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ है, बहानेबाजी नहीं है ये एकदम, पहले हार को एक्सेप्ट करते हैं और भाजपा को बधाई देते हैं, जो भी कैंडिडेट जीते उनको बधाई है, वो लोकसभा में जाएं और अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ डेवलपमेंट करें वहां के लिए, जो बचा हुआ टाइम है अगले चुनाव से, जो बचा हुआ टाइम है ये उम्मीद है और उन लोगों को बधाई है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी, ये अपनी तरफ से कौन सी पार्टी चाहेगी, आप एक बात बताइए कि हम जो इतनी कम लोकसभा सीटें हमारे पास बची हैं, अब तीन ही बची, इससे पहले पांच थी, हम अपनी तरफ से क्यों चाहेंगे कि हम कोई डिसीजन गलत ले लें और हम लूज कर जाएं। हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट स्ट्रेटजी, जैसे कहा जा रहा था कि परिवार का ही कोई जो कैंडिडेट होगा वही बेहतर होगा, आपको नहीं लगता है कि बेस्ट स्ट्रेटजी में अगर अखिलेश यादव चले जाते तो शायद आजमगढ़ का कुछ और नतीजा हो जाता? देखिए क्या मैं कह रहा हूं, क्या अगर अखिलेश यादव साहब चले जाते, मान लेते हैं जैसे बहुत बड़े नेता हैं, तो हम जीत लेते वो चुनाव, इस बात की कोई गारंटी दे सकता है, या बीजेपी जानबूझ के लूज कर जाती? देखिए हारने के बाद वो किसी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है, और दूसरी एक बात और, ये बिल्कुल एक आंतरिक मामला समाजवादी का है कि हम किसको भेजें या ना भेजें। अब पूरे सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर टारगेट करना मुझे नहीं लगता अभी अगर यह सही है, उनके ऊपर ही टारगेट करना, पूरी समाजवादी जिम्मेदार है, तारिक खान जिम्मेदार है, उसी तरीके से बराबर में राजेंद्र चौधरी साहब भी जिम्मेदार है, बराबर से जितने भी हमारे एमएलसी हैं, विधायक हैं, सब जिम्मेदार हैं। सिर्फ पहली बात तो सिर्फ अखिलेश यादव को जिम्मेदारी न दी जाए हार की, तारिक भी जिम्मेदार हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं हार के, और हम अपनी जिम्मेदारी अब पूरी तरीके से लेते हैं कि हमने हम अपनी वजह से हारे हैं, हम वो जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है मैं आता हूँ। सत्यजीत जी हमारे साथ प्रसपा से हैं। सत्यजीत जी, आप लोग पहले से ही सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो सही नहीं है और रणनीति का नतीजा भी सही नहीं आएगा, पहले भी आपसे मेरी इस विषय को लेकर के बात हुई है और बिल्कुल वैसा ही हुआ, आपको क्या लगता है क्या कारण रहे हार के? समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जो है वो अकर्मण है, आरोप लगाने मुझे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इसलिए नहीं है कि लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है, अखिलेश यादव उसके बाद भी सचेत नहीं हो रहे हैं, सावधान नहीं वो हो रहे। तारिक खान कह रहे हैं कि हम अभी फिर विचार विमर्श करेंगे, हारे हैं अभी जल्दी जल्दी। अच्छा, चुनाव हुआ है। तारिक खान साहब से एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अपने समय पे बोलेंगे अभी ना बोलेंगे। मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि क्या हर बार हारने के बाद सिर्फ ये मंथन करते रह जाएंगे कि कुछ उसका परिणाम भी निकालेंगे? अगर इतने एक दशक के बाद भी, देखिये 2012 में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे आदरणीय अखिलेश यादव को कमान सौंपी थी, माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ चल रही थी। 12 के बाद जब से आदरणीय अखिलेश यादव ने कमान संभाली तब से लगातार वो हारते चले जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वजह है। और मैं चीज और बता दू, देखिये इनको चिंतन करने की जरूरत है, जैसे टिकट लगातार जब देते हैं, देखिए आम चुनाव में भी इस बात को देखा गया है, टिकट बंटवारे में तमाम गड़बड़ियां इनकी थी,
पहले किसी को टिकट देते थे, काट के दूसरे तीसरे चौथे पांचवें को दे दिया जाता था। और इस बार भी उपचुनाव में बरियारी बाबू का नाम आया कि उनके परिवार को टिकट दिया जाएगा। अंतिम समय में उनका टिकट काट करके बदायूं से धर्मेंद्र यादव को भेज दिया जाएगा। डिंपल यादव का नाम भी चल रहा था, डिंपल यादव का भी नाम चला। अब एक चीज हमें आप बताएं कि अगर बनिहारी बाबू के परिवार को टिकट नहीं दिया गया तो हरिजन समाज नाराज होगा कि नहीं होगा? जी, काफी बिरादरी है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने तो पहले इनकी एक आदत बड़ी बुरी है अखिलेश यादव की, पहले गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे को पाटते हैं, उस पर फिर नींव खड़ी, उस पर फिर इमारत खड़ी करना चाहिए। तो इन्होंने बनिहारी बाबू का नाम आगे ला करके पहले गड्ढे को खोदा, या तो उनको दे दिए होते, अगर नहीं दिया इन्होंने तो उनका नाम नहीं लाना चाहिए था। अच्छा, एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पे, देखिए धर्मेंद्र यादव को तो मैंने डिबेट पे भी इस बात को कहा है कि एक खड़ियल के तहत लाया गया है। आदरणीय सुपाल सिंह यादव को किनारे लगाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव ने किया, ये जग जाहिर है, इसमें कुछ छिपा नहीं। ये अखिलेश सबको ऐसे ही किनारे लगा देंगे तो फिर अकेले करेंगे क्या? यही तो दिक्कत है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो अब स्थिति ये आ गई, आदरणीय सुपाल सिंह यादव के पैटर्न से धर्मेंद्र यादव को एक सोची समझी रणनीति के तहत ले जा करके आजमगढ़ में पटक दिया गया। चित भी मेरी पट भी मेरी, अगर आप हार जाते हो तो आपका राजनीतिक करियर समाप्त, उसकी घोषणा अखिलेश यादव कर दे रहे हैं। पटका उस गंदे नाले में, बचकर भी पाक न हो पाए, वो जलन बख्श दी है तुम्हें, जलकर भी खाक न हो पाए। धर्मेंद्र यादव के लिए है ये, अखिलेश यादव जी उनको पटक चुके। आप देखिएगा, धर्मेंद्र यादव को इन्होंने विधानसभा में टिकट नहीं दिया, धर्मेंद्र यादव नाराज थे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, कष्ट उनको था, पीड़ा उनको थी, और कई बयान भी आए थे इस तरीके की, हाँ नाराजगी थे। लेकिन उसके बावजूद कौन सी ऐसी आफत आ गई कि आप उनके अपने क्षेत्र में उनको विधानसभा टिकट नहीं देते हैं और लोकसभा का उपचुनाव लड़ाने के लिए उनको आजमगढ़ भेज देते हैं? देखिये स्पष्ट कर दू, आजमगढ़ का भी हाल मैं स्पष्ट कर दू। आजमगढ़ में देखिये, अगर चुनाव जीत जाते हैं, आजमगढ़ से चैलेंज इनको, आजमगढ़ कह रहा हूँ, रामकृष्ण को चैलेंज मिलता, आजम खान साहब की बात नहीं कर रहा। अभी समाजवादी पार्टी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है अभी तक, ऐसा अब हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं था कि कोई आदरणीय अखिलेश यादव के किसी भी चीज पर प्रश्न उठा सके। लेकिन अगर रामपुर से जो है चैलेंज होता, रामपुर से अगर आजम खान जीत गए होते तो वहां से चैलेंज इनको होता। ये कभी नहीं चाहते अखिलेश यादव जी कि कोई भी व्यक्ति इनको चैलेंज दे। अच्छा, चैलेंज से बचने के लिए हमारा अपना मानना यह है कि चैलेंज से बचने के लिए जितने बड़े कदावर नेता और वरिष्ठ नेता जितने, तारिक खान आप सब छिपा रहे थे, सत्यजीत जी ने सब बता दिया, अपने परिवार के लोगों को भी जो है, अपने परिवार के लोगों को भी बारी बारी काटते चले गए, बारी बारी काटते चले गए। देखिए एक बात और मैं स्पष्ट करूं, अगर इनको आजम खान, देखिए वहां पे तो समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी ना, रामपुर में तो आजम खान चुनाव लड़ रहे थे जी। समाजवादी पार्टी तो देखिए इन्होंने पूरा ब्लैंक, पूरा इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देखो मैं फॉर्म ले देता हूँ, ये भी फॉर्म है, और फॉर्म लेके जाओ, जिसका नाम लिखना हो लिख लो, हमें बता देना कि कौन चुनाव लड़ेगा। कम से कम ये चाहे मीडिया के माध्यम से बता देना, चाहे पहले फोन करके बता देना कौन चुनाव लड़ेगा। वो पर्चा उनके यहाँ पहुंच जाता है, वो फिलअप करते हैं आजम खान, सारी जिम्मेदारी आजम खान की। अखिलेश यादव बहुत चतुर नेता है, उन्होंने सोचा कि आजम खान जीत जाएंगे तो वाह वाह, समाजवादी पार्टी खाते में आएगी, आजम खान हार जाएंगे तो नकेल लग जाएगी और आजम खान की हैसियत बता दी जाएगी। धर्मेंद्र के लिए, अगर धर्मेंद्र जीत जाते हैं तो समाजवादी पार्टी खाते में आ जाएगी, हार जाते हैं तो बेटा तुमको तो मैंने निपटा ही दिया, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, चित भी मेरी पट भी। ठीक है सर, ठीक, मैं आता हूँ बस। कंचन द्विवेदी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई। कंचन जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपकी डबल इंजन की सरकार को कि आप लोगों ने दोनों वो सीटें जीती जो कि समाजवादी पार्टी के पास थी। इस जीत को किस नज़र से देख रही हैं, कितनी मेहनत लगी? और दूसरी चीज़, अब जीत के बाद कई सारे सवाल विपक्ष के ऊपर खड़े हो रहे हैं और वोटिंग और बाकी चीज़ों को लेकर के भी खड़े हो रहे हैं, क्या जवाब है? करके सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं इसमें यही कहूंगी कि वो तो हमेशा से ही खड़े होते रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नया हो रहा हो, नया तरीके से किया जा रहा हो। यहाँ तक तो ये भी कहा गया कि जो ईवीएम है वो भी खराब हो जाती है, वो भी बदल दी जाए वगैरह वगैरह। खैर, उन चीजों पर सभी लोग जानते हैं कि क्या मुद्दा हो सकता है और उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता, इसलिए वो कोई भी बात और क्या कर ही सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, जिस प्रकार से हम लोगों की वहां जीत हुई
है, एक बहुत बड़ी जीत है। उस हिसाब से ना देख करके कि वो उपचुनाव था हमने जीता, नहीं, हम उस नजर से उसको देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एक जो नजरिया होता है देश का, इससे बहुत बड़ा एक पॉइंट जा रहा है, एक सिग्नल जा रहा है कि वो जो गढ़, जो समाजवादी का गढ़ कहा जाता था, मैं तो हमेशा से ही तथाकथित गढ़ कहती रही, क्योंकि कभी भी किसी का कोई गढ़ नहीं होता। आप अगर उस पर काम नहीं करेंगे, आप अगर उस वहां पर रहने वाले लोगों के लिए सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ आप त्याग नहीं करेंगे या फिर उनका सहयोग नहीं करेंगे, आप केवल उनको यूज करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, अपना ही क्यों ना हो, आप उससे घर कहते थे, आप वहीं से देख लीजिए कि वो आपका घर था, लेकिन अगर आपने कर्तव्य नहीं निभाया, आपने उनके लिए कोई कार्य नहीं किया, तो वो आपके नहीं, क्योंकि विकास सभी क्षेत्र चाहते हैं। कहीं ये जो परिवर्तन की लहर आज इस बार हमें उपचुनाव में देखने को मिली, एक बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा परिवर्तन है। इससे सपा को सोचना चाहिए, इससे अखिलेश जी को सोचना चाहिए। अब मैं नहीं जानती और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहती कि जो प्रतिभा बता रहे हैं या फिर जो भी हमारे जो सपा के साथी लोग हैं वो बता रहे हैं अंदर की अंदर खानी चीजें क्या है, वो वही जाने और मुझे बोलने की। ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि अगर बसपा का सपोर्ट आप लोग को नहीं मिलता आजमगढ़ में, तो शायद आप लोग आजमगढ़ नहीं जीत पाते। फिर तो मैं ये भी कहूँ कि कांग्रेस का सपोर्ट सपा को था ही क्यों नजर नहीं आता। अगर कांग्रेस का सपोर्ट, अगर आप इसको बसपा का सपोर्ट कहते हैं, तो फिर मैं कहूंगी कि कांग्रेस आपके साथ थी, फिर भी आप नहीं जीत पाए, अगर इस तरीके से अगर उसको देखते हैं तो। बाकी मैं ऐसा नहीं जानती, मैं ऐसा नहीं सोचती, जो लोग हैं इस तरीके से नहीं देखते, वो तो अब आपके पास हार हुई है तो कोई ना कोई बहाना आपको चाहिए, किसी ना किसी पर ठीकरा फोड़ना है। मैं सुन रही हूँ, हमेशा से मायावती जी के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया है, हमेशा से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा गया है, हमेशा से, लेकिन अपनी नजर थोड़ा सा अपने अंदर भी, मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सपा के साथी लोग हैं वो लोग आज बहुत अच्छी तरीके से और बहुत साफ तरीके से बोल रहे हैं, ये सुनकर बड़ा अच्छा, क्योंकि कभी भी सपा के प्रवक्ताओं को मैंने ऐसे बोलते नहीं देखा, और अभी तक कल परसों से डिबेट में जो इस मुद्दे पर डिबेट हो रही है वो कोई ये नहीं कह रहा, क्योंकि हमेशा टीकरा फोड़ा जा रहा मायावती पे, ईवीएम पे और बीजेपी पे, ये किया वो किया। लेकिन हाँ, अच्छा लगा, खुशी हुई कि आप लोगों को ये एहसास है कि अखिलेश जी की गलती है या फिर किसी और की भी गलती हो सकती है सपा के हर एक कार्यकर्ता की, क्योंकि हार या जीत किसी एक की नहीं होती, हार और जीत पूरे संगठन की होती है, पूरी पार्टी की होती है। अगर हम जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति जीत गया है, हमारा पूरा संगठन जीता है और सारे लोग मिलकर के उसमें काम करते हैं, सारे लोगों की हार और जीत होती है। तो मैं यही कहूंगी कि सपा की ओर से कि सपा के हर एक गढ़ टूट रहे हैं, और जो उनका एक अभिमान का गढ़ था, मुझे लगता है कि वो भी टूट जाना चाहिए, जिसकी बदौलत आप हारते हुए चले जा रहे हैं, जिसकी बदौलत आपको कुछ दिख नहीं रहा है, जिसकी बदौलत अखिलेश जी को अपनी हारने वाली जो चीजें हैं, जो जीवन का हर एक चीज हारते चले जा रहे हैं। मैं कहूँ हर एक चुनाव वो हार ही रहे हैं, कोई भी चुनाव नहीं है कि वो जीत पा रहे होंगे अपने बलबूते पे। तो मैं यही कहना चाहूंगी, उनको थोड़ा विचार करने की गंभीरता से जरूरत। ठीक मैडम, मैं आता हूँ। अतीक खान हमारे साथ सुभाष पास हैं। अतीक खान, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ऐसा कह रहे हैं कि एसी से बाहर निकलो, किसके लिए उन्होंने कहा, क्या कारण रहा हार का? बाद में बताऊंगा, पहले आप ये जान लें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमीनी नेता हैं। वो 90 के दशक से राजनीति की शुरुआत उन्होंने की है, और घर घर जाकर, गांव गांव जाकर बहुत संघर्ष के साथ उन्होंने 2002 में अपनी पार्टी बनाई, और 2002 से लेकर के उनका संघर्ष हमेशा जारी रहा, क्षेत्र में, कैडर लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, सारे लेवल पे बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। तो वो जनता की और राजनीति की जो भी पकड़ है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने देखा होगा, जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब भी हम आईना दिखाने का काम करते थे भारतीय जनता पार्टी को भी। आपने देखा होगा कई बार मुख्यमंत्री जी से इसी चीज को लेकर के मनमुटाव भी हो गया था, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा से, जिस भी, यही इनकी पहचान है कि ये सत्य बोलने से कभी पीछे नहीं हटते। तो यहाँ पे कौन सत्य नहीं बोलना चाह रहा था? नहीं, मैं आपको बताऊँ, देखिए आईना इसलिए दिखाया, या मान लिया अखिलेश यादव जी को जो बताया कि एसी कमरे से आप बाहर नहीं आए, वास्तव में अगर एक भी दौरा कर दिए होते तो जितने कम अंतर से हार जीत हुई है, लोकसभा चुनाव में कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। बहुत ज्यादा तारिक खान तो कुछ और फिलोसफी समझा रहे थे। नहीं नहीं, देखिए जनता है, जनता ने सोचा होगा चलो 1.5 साल इनको भी देख लेते हैं, तो 1.5 साल देखने के लिए ही बहुत ज्यादा होता है। मुझे लगता है कि 1.5 साल में ये दिखा देंगे कि निरहू जी क्या करेंगे और रामपुर में जो इनके कैंडिडेट जीते हैं ये क्या करेंगे। तो पूरे देश में तो इनका राज चल ही रहा है, तो अभी तक तो कुछ किया नहीं, युवा रोड पे हैं, किसान रोड पे हैं,
महिलाएं रोड पे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, विधायक खरीदने में इनका समय ज्यादा लग रहा है, पार्टियों को तोड़ने में खूब समय ये लगा रहे हैं, अपना तो कुछ विकास कर नहीं रहे हैं, जो किसी प्रदेश में किसी की सरकार है तो उसके विधायक को खरीदने में लग जाते हैं। अब आप खुद सोचिए नितिन भाई कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये विधायक खरीदे जा रहे हैं, 5-star होटल में 50-50 लाख 60-60 लाख रुपए की बिल बन रही है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? तो ये उपचुनाव का मसला नहीं है, मसला है पूरे देश को जो आज ये पीछे ले जा रहे हैं। आज देश, आज हमारा देश भूखमरी में कितने नंबर पे आ गया है, आप पूरी जिम्मेदारी से बात कह सकते हैं? और ये न्यूज कहाँ से आई आपके पास, जरा बताएंगे कि कौन कौन है जो बीजेपी से बता रहा है या फिर आपके पास, या फिर ऐसे हवा में फेंक देंगे? अरे ये पहले बीजेपी में ही थे मैडम, कोई बात है, पर क्या अभी तो बीजेपी में नहीं है या बीजेपी नहीं, नहीं कोई बात छिपी नहीं रहती, आपको बताएं अपने बारे में, अपनी बैक डोर से पर्दे के पीछे से जिस तरीके से सरकार गिराने का काम आप लोग कर रहे हैं, यही काम आपने अरुणाचल प्रदेश में किया, यही काम आपने मध्य प्रदेश में किया, तो महाराष्ट्र में कोई नई बात थोड़ी ना है, आपका काम ही यही है। ठीक है, ठीक है, ठीक, देखिए सरकार आपके देश और प्रदेश दोनों में है, अगर आजमगढ़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ कोई और गिर चुका है, पहले यहाँ पर बात कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है ठीक है, फिर आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है मैडम आएंगे आपके पास आजमगढ़। ठीक है भाई, थोड़ा जल्दी से, चुनाव है और उपचुनाव कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, 2024 में जनता आपको दिखा देगी कि वास्तव में आप कहां जाने लायक हैं और जहां के लायक हैं जनता वहां। ठीक है प्लीज, थैंक यू, मैं आपका पास। ठीक है, अरे हद है, आप लोग क्या समझ के रखे हैं जनता को, जनता सब समझती है। ठीक है कंचन जी, ठीक है ठीक है, मैं ठीक है भाई, प्लीज प्लीज, ठीक है अगले राउंड में, नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट राउंड में, अगली बार आपने ठीक है बच्चे रोड पे आ गए, कितनी ट्रेनें जल गई, ये आपके सिर्फ एक डिसीजन की वजह से ऐसा हुआ, ये सिर्फ आपकी भ्रम भ्रम फैलाने की वजह से है। ठीक है ठीक है, थैंक यू, मैं आता हूँ आप लोगों के पास। ठीक है अतिक भाई, प्लीज प्लीज आगे चले, बाकी मेहमान भी है, प्लीज प्लीज, ठीक है अतिक भाई, ठीक है ठीक है, नवेश को सब हमारे, ठीक है कंचन जी, ठीक है कंचन जी, ठीक है, बदौलत ही आप लोग कहाँ हैं ये भी आपको मालूम है। ठीक है ठीक है कंचन जी, मैं आता हूँ, अपने घर नहीं बचा पा रहे आप लोग, सरकार हमारी चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है मैं आता हूँ, 900 वोट पड़ना चाहिए, अरे अभी आप जीत जाते तो ऐसा नहीं करते, ठीक है अतिक भाई, ठीक है प्लीज प्लीज, थैंक यू, मैं आता हूँ, ठीक है कंचन जी प्लीज, इतनी तो गलतियां नहीं होती है, कंचन जी अपनी बारी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, जनता पागल नहीं है ना कि एक बार दो बार तीन बार आपको जिताती चली जा रही है, उन्होंने हम पर भरोसा किया है, कोई तो वजह होगी, ठीक है ठीक है, थोड़ा विचार करिए। ठीक, मैं आता हूं, मैं आता हूं, नवेश को साहब हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सुभाष जी इसके बाद आऊंगा आपके पास। नवेश जी, दोनों ही गढ़ थे समाजवादी पार्टी के, ऐसा इन लोग कहते आए हैं हमेशा से, इस बार ये जो गढ़ था वो ध्वस्त हो गया, क्या कारण रहा समाजवादी पार्टी की हार? देखिए एक चीज तो मैं आपकी डिबेट में मुझे बहुत कुछ अलग दिखाई दिया, मैं एक बात बहुत ही पर्सनल बता दूं आपको, कल जब चुनावी नतीजे आए उसके बाद से अब तक मैंने करीब 6 डिबेट की और उसके बाद आपकी जो डिबेट में सातवीं कर रहा हूँ उसमें एक नयापन आया, उसका कारण हमारे समाजवादी पार्टी के जो नुमाइंदे वहां बैठे हैं उनका एक सकारात्मक रूप है। मैं आपको बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं और आप भी इस बात पर यकीन करेंगे, नतीजे आने के बाद हर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का एक बात कह रहा है, लगभग लोकतंत्र की हत्या हो गई है, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, हमें हरा दिया गया, हम हारे नहीं, भाजपा जीत गई, उसको जीतना नहीं था, इमरजेंसी लग गई। ये 4-5 बातें मैंने हर समाजवादी प्रवक्ता से सुनी पिछले कल चुनावी नतीजे आने से लेकर अब तक। उसका एक कारण है, समाजवादी प्रवक्ता अगर ये बात कह रहे हैं तो उनका कहना लाजमी इसलिए है कि समाजवादी पार्टी के दो सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद नाम आता है आजम खान का, इत्तेफाक के बाद MY फैक्टर भी इससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, यानी अखिलेश यादव जी और खान साहब यानी दो जो सबसे बड़े नेता है उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, उन्होंने हार ही नहीं स्वीकार की, वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, हमें हराया गया, हमारे वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया, और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। मैंने हमेशा हर डिबेट में ये जवाब दिया कि अगर लोकतंत्र की हत्या हो गई है और इमरजेंसी लग गई है तो आप डिबेट क्यों कर रहे हो,
आप टीवी क्यों कर रहे हो? आप राजनीतिक दल हो, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल, आप बड़े नेता हो, आपको जेल में होना चाहिए था। जेल में मतलब जिस तरह इमरजेंसी में जब ये माना गया कि इमरजेंसी लग गई है तो जितने समाजवादी थे सब जेल में चले गए थे, और उन्होंने खुद कहा था कि जेल भरो भरो आंदोलन, यानी जेल में खुद दौड़ दौड़ के गए थे सब। अगर आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हो तो आपका फर्ज ये बनता है कि अगर लोकतंत्र की हत्या हो गई उत्तर प्रदेश और देश में तो आप घर में क्यों बैठे हो? आपने का तो कमिटमेंट है जनता के साथ में कि हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। अगर कल के चुनाव, मैं बार बार बात कह रहा हूं, ये अखिलेश यादव जी और आजम खान साहब ने लगातार ये कहा कि हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है, यहाँ पर चुनाव हुआ ही नहीं। आजम खान साहब तो बार बार कह रहे चुनाव ही कहा हुआ है। अरे साहब, अगर लोकतंत्र की इमरजेंसी है तो पहली चीज तो ये कि लोकसभा चुनाव मत लड़िएगा, यही तो सत्ता होगी, यही तो प्रशासन होगा, यही तो आयोग होगा, आप फिर हार जाओगे। आप कह दो कि हमने अपनी पार्टी खत्म कर दी है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप खुद गौर करिएगा हर बयान पे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की, वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हार। आप मुझे कोई इनका ट्वीट बता दीजिए, कोई बयान बता दीजिए, मैं सबसे बड़े नेताओं की बात कह रहा हूं, मैं अखिलेश यादव जी की और आजम खान साहब की बात कर रहा हूं, वो स्वीकार ही नहीं करे। और उनकी देखा देखी क्या मतलब, उन्हीं को फॉलो उनके सारे प्रवक्ता भी करेंगे, सारे प्रवक्ता। मैं पहली डिबेट ऐसी है जिसमें बहुत ही अच्छा उन्होंने बयान दिया, जो इस वक्त बैठे हुए हैं समहा तारीख साहब ने, और उन्होंने हार स्वीकार की, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, एक सकारात्मक उन्होंने जवाब दिया। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं 6-7 डिबेट में शामिल हुआ अलग अलग चैनल में, हर प्रवक्ता कह रहा था हम हारे ही नहीं है, हमारे वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया, इमरजेंसी लग गई है, डंडा मार के लोग खड़े हो गए बाहर, मुस्लिम वोटर। अरे साहब, और मैंने बार बार ये जवाब दिया कि अगर इमरजेंसी लगी है तो समाजवादियों का ये ड्यूटी है कि वो इंतजार नहीं करे, खुद चले जाए जेल में। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या चिंतन करेंगे, जो आपने अपने शो से पहले बात कही कि चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, हार को हार के कारण कैसे ढूंढेंगे? हार का कारण तो उन्होंने ढूंढ लिया, तो कह रहे कि हम जीतने जा रहे थे, हारने जा रही थी, हमें हमारा वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, बेईमानी हुई है, डीएम का रोल था। तो साहब, सबसे गंभीर बात तो ये कि पहले तो ये तय हो कि समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े बड़े नेता हैं वो हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और अगर ये बात कह रहे हैं कि इतना गंभीर विषय है कि इमरजेंसी लगी हुई है चुनाव, अरे आजम खान साहब ने कितने गंभीर गंभीर बयान दिए हैं, वो तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में चले जा रहे हैं। आप बताइए कि जब ये ही बात कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के टॉप दो बड़े नेता, बहुत एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक बहुत सीनियर, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव नहीं हुआ, ये प्रशासन ने भाजपा को जिताने का एक प्रोपेगेंडा था और ये इस तरह का शो था। तो आप पहले तो ये बात बताइए कि चिंतन मनन कैसे होगा। दूसरी चीज जो आपकी मुख्य विषय है कि साहब अब उनके दोनों किले ढह गए, तो ये बात सही है, दोनों किले ढह गए, और किसी घर के अगर दोनों दरवाजे टूट जाते हैं तो घर घर नहीं रहता है, वो ध्वस्त हो जाता है। आप मान के चलो कि आज की तारीख में अगर पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो देखिए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में करीब 30 साल से धर्म या जाति की राजनीति होती है, इधर एक फैशन धर्म का चल रहा है, और धर्म के एक जो माहौल बना हुआ है, धार्मिक कट्टरता जो यहाँ की राजनीति में समाई हुई है, उसके तहत आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी घोषित करके उत्तर प्रदेश में लगभग शून्य फैला दिया। सब जानते हैं, सबको पता है कि उनका जनाधार क्या है और कितने प्रतिशत वो वोट पाते हैं। बसपा के बारे में कहा जाता है कि दलित पिछड़े सब मोदी और योगी का मोह छोड़ दिया, ये चुनावी नतीजों में स्वीकार करते अकेले समाजवादी पार्टी क्यों बची हुई थी, जिसने विधानसभा चुनाव में टक्कर दी भारतीय जनता पार्टी को, अच्छा वोट प्रतिशत लाए और कुछ सीटें लाए। उसकी वजह सिर्फ ये थी क्योंकि इस भाजपा की लहर में, इस मोदी लहर में, इस सुनामी में और इस ध्रुवीकरण में यादव नहीं गया और मुसलमान नहीं गया। यादव और मुसलमान की गणित होती है करीब 25+। तो समाजवादी पार्टी के पास में एक आधार रहा मजबूत। आधार का मतलब अगर हम एक प्लाट लेंगे तभी तो हम घर बनवाएंगे, जब हमारी जमीन ही खिसक जाएगी तो हम घर कैसे बनवाएंगे। तो कल उनकी जमीन खिसक गई, उसके बावजूद अखिलेश यादव जी लोगों से मिल नहीं रहे हैं। बताया जाता है गुड्डू जमाली खुद मिलना चाहता था अखिलेश यादव से, जमाली साहब खुद मिलना चाहते थे। अगर जमाली साहब के साथ में मुलाकात ये कर लेते तो शायद कुछ और नतीजे कुछ और होते। सवाल क्यों नहीं उठेगा बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष
जो इस उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतना महत्वपूर्ण चुनाव आपके घर का, आपके परिवार का, एक तरह से आपके घर का चुनाव, आपको पता था भारतीय जनता पार्टी कितनी शिद्दत से लड़ती है, आप निकले नहीं, कोई वजह हो सकती है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे या फिर आपको पता था कि हम हार गए, आपने हार पहले ही स्वीकार कर ली। ठीक ठीक, मैं आता हूँ। सुभाष यादव जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, पहले भी इस मुद्दे पर हमारी और आपकी कई बार बात हो चुकी है, आपने पहले भी बताया था कि इस बार समस्याएं बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्या कारण रहे? बिल्कुल नितिन जी, वास्तविकता भी है। और सबसे पहले तो जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने तारिक भाई के लिए बोला, बिल्कुल तारिक भाई बधाई के पात्र हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ यही बाई इलेक्शन की बात ही नहीं हो रही है, 2019 के बाद में 2022 इलेक्शन भी हुआ विधानसभा का, तब भी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यही आरोप लगाया कि भाई लोकतंत्र की हत्या हुई है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, उसकी वजह से हम लोग सरकार में आने आने से बच गए, अल्ले बातें इन्होंने बोली है। लेकिन इनसे हटकर तारिक भाई ने जो एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमें हार स्वीकार है, लोकतंत्र के अंदर हमें जनता ने जो मेजोरिटी दी है विपक्ष में बैठने की, तो उसको हम स्वीकार करते हैं। यही चीज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में भी होनी चाहिए। जब तक वो हार को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में मंथन नहीं करेंगे। ये हार स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए मंथन करते नहीं है, और उसके हार का ठेकरा प्रशासन पे और सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं, उस नतीजे को तलाशने का प्रयास नहीं करते। जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोला, नावेद भाई ने, कि शाह गुड्डू जमालू जिनसे पहले मिलना चाह रहे थे, हो सकता है उसके अंदर मिलना भी चाह रहे हो, ये वास्तविकता भी है। लेकिन इसके पिछले भी जो कई डिबेटें हुई थी, उसके अंदर कई सपा के प्रवक्ता ने बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही कमजोर करके आंका था, और बार बार उसी को बी टीम बताते थे, जबकि इसी बी टीम की बदौलत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव 3 लाख से 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से आजमगढ़ से जीत कर आए थे, जबकि 2014 के अंदर जब चुनाव हुआ था उसी समय यही शाह गुड्डू जमाले चुनाव लड़े थे और 2,68,000 वोट लेके आए थे, गठबंधन हुआ, सीट जीते अखिलेश यादव। तो लोकतंत्र है ना, अगर आप बार बार बहुजन समाज पार्टी को अगर ये बोलते हैं कि नहीं भैया भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भैया, क्यों चुनाव क्यों नहीं लड़ेगी, वो भी तो चुनाव लड़ेगी, उसका संवैधानिक अधिकार है, उसने चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ताकत का एहसास भी कराया, इस वजह से समाजवादी पार्टी हारी। दूसरा कारण था समाजवादी पार्टी के हारने का, अखिलेश यादव की जो सियासत दम है, उनकी सियासत वाली दम, जो घमंड है, वो उनको लेके डूबा। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आजमगढ़ तो मेरा घर है और ऊपर से मेरा भाई लड़ रहा है, अब चाहे वो पॉलिटिकल कैरियर खराब करने के लिए उसको भेजो, जैसा कि अतवारा जी ने बोला, या चाहे जिसके लिए भी भेजा होगा वो उन्हें पता होगा। लेकिन उस घमंड के अंदर वो ये भूल गए कि आजमगढ़ की जनता पहले से ज्यादा सचेत हो गई है, आजमगढ़ की जनता को ये तो पता चल ही चुका है अगर विकास की राह अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें दूसरा विकल्प देखना पड़ेगा। कब तक यादव, कब तक मुस्लिम समाजवादी पार्टी के पीछे ही खड़ा रहेगा? वो कहीं ना कहीं अपना मन बना चुका था कि हाँ हमें कहीं और जाना है, उनको ये नहीं मालूम था कि भाजपा में जाएंगे या बसपा में जाएंगे या इंडिपेंडेंट जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, लेकिन एक मूड बना चुके थे। लेकिन अखिलेश यादव अगर मोर्चे पे जाते, 8,600 या 7,000 के कुछ वोटों के अंतर से धर्मेंद्र यादव हारे, अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ के अंदर चले गए होते और उस जनता को कन्विंस करने में अगर सफल हो गए होते तो शायद आजमगढ़ की तस्वीर कुछ और होती, जबकि आजमगढ़ के ऊपर ही अखिलेश यादव को बड़ा घमंड था, और घमंड होना भी चाहिए ना। 2012 के अंदर 10 सीटें दी गई थी, 2017 के अंदर, 2014 2019 के अंदर, 2022 के अंदर भी 10 सीटें दे दी, तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ समाजवादी पार्टी को हर जगह सेफ करके रखा है, इटावा, सैफई, कन्नौज, बदायूं के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए विकास, लेकिन उस मुकाबले में आजमगढ़ में बिल्कुल भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी आजमगढ़ की जनता इनके पीछे खड़ी थी। लेकिन उस विश्वास को अखिलेश यादव ने इस बार पूरी तरीके से तोड़ दिया। अखिलेश यादव तो कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने जनता का विश्वास तोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव ने सिर्फ जनता का विश्वास नहीं तोड़ा, जनता के साथ आजमगढ़ का मैं इसमें विशेषकर उल्लेख करूंगा, क्योंकि आजमगढ़ की जनता, आप पिछले कई चुनाव देख लीजिए, पिछले कई चुनाव जब देखेंगे तो आजमगढ़ की जनता हमेशा मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 13 साल के बाद कमल खिला है ये, और अगर इसको भी अगर देखा जाए तो ये व्यक्तिगत दम से निकले हुए हैं। 2009 के अंदर रमाकांत यादव सांसद बने थे, उनकी व्यक्तिगत छवि थी, क्योंकि उसके पहले बसपा से भी सांसद रह चुके थे, सपा से भी रह चुके थे, वो तो वो अपने व्यक्तिगत दम से जीते हैं। निरहुआ जो है समाजवादी पार्टी के अंदर, उनका पहले कहीं ना कहीं लगाव था, उनके जो चचेरे भाई विजयलाल यादव जी की वजह से, तो देखा जाए तो ये व्यक्तिगत छवि हो जाती है, लेकिन ये अखिलेश यादव जी की और समाजवादी पार्टी की नाकामी है। और नितिन जी, आपको याद होगा कि सपा के कोई प्रवक्ता थे, शायद इसी चीज को बड़े गंभीरता से बोल रहे थे कि नहीं हमारा तो आजमगढ़ निकल रहा है, तो मैंने ये बोला भी था कि आपका ये अत्यधिक आत्मविश्वास आपको ले डूबेगा, आप गच्चा खा जाएंगे, और वही हुआ। और ये 2024 के खतरे की घंटी बज चुकी है, अगर अब भी समाजवादी पार्टी नहीं सुधरी या इससे सीख नहीं ली, तो जो हाल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ आजादी के बाद से, वही हाल समाजवादी पार्टी का भी होने वाला है। ठीक है, तारिक खान,
सत्यजीत जी ने कई सारी बातें बोली हैं, सफाई दी, सफाई उन्होंने बताई है कि आखिर ये हार क्यों हुई, क्या कारण रहा प्रत्याशी से लेकर के हर चीज़। और कंचन जी ने भी कहा कि हमारी जो पार्टी है वो ज़मीन पर उतर कर काम करती है, समाजवादी पार्टी, और उनके नेता निकल ही नहीं रहे हैं, इसी वजह से ये हार उनको मिली है। क्या कहेंगे? नेता थे जो, खासकर जो बड़े नेता थे, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी वहां पर। ड्यूटी ऐसे लगाई जाती है कि आपको देखिए, जाति और धर्म इसका समीकरण उत्तर प्रदेश में रहता है, बात नहीं करनी चाहिए लेकिन है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता अभी फिलहाल। तो उस लिहाज से नेताओं को भेजा गया था वहां पर, मुख्तार साहब के बेटे को का प्रभाव है वहां पर, उनसे प्रचार कराया गया, आजम खान साहब को वहां लेके जाया गया क्योंकि गुड्डू जमाली एक माइनॉरिटी का कैंडिडेट लड़ रहे थे, और ये मानता हूं मैं कि गुड्डू जमाली ने बेहतर परफॉर्म किया, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी समाजवादी की उससे बेहतर परफॉर्म किया। सबको पता था कि वो बेहतर करेंगे, आप ही लोग नहीं मान रहे थे। नहीं, हाँ भाई मान रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म किया उन्होंने बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्यों, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, जिनके पास 5 सीटें हैं वो क्यों चाहेंगे कि हम 1-2 सीटें और लूज कर दें? वहां पर जाति और धर्म के हिसाब से नेताओं को भेजा गया था कि आप जाइए अपने हिसाब से कैंपेन करिए, कहां वहां से 300 किलोमीटर बहराइच डिस्ट्रिक्ट के गोंडा है, वहां से भी लोगों को कहा गया था कि आप देखिए जो अपने हिसाब से आपको हो सकता है, क्योंकि वहां यादव और मुसलमान ज्यादा है। अब मैं कह रहा हूं कि लेकिन नतीजे जो होते हैं वो आपको एक तरीके से आईना दिखाते हैं, हमको फिर से आईना दिखाया गया। सुभाष जी जल्दी से पूरा कीजिए, फिर कंचन जी के पास। तारिक भाई आपने बिल्कुल सही बोला कि जो धार्मिक आधार पर राजनीति हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये तो पहली बार तो हो नहीं रहा है। 2022 के अंदर तो यही हुआ, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर सबने देखा ना, उत्तर प्रदेश की राजनीति धार्मिक और जाति का आधारण के जो ऊपर देख लिया जाए तो उससे अछूती नहीं है, उसी के ऊपर चली रही है। तो आप जो कोई नई बात नहीं बता रहे हो, जब आप जान रहे हो कि यही सब चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद आपको ये चीज स्वीकार करनी पड़ेगी कि सेना अगर लड़ने जाती है तो उसका जो कमांडर रहता है, जैसा कि अतीक खान साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओमप्रकाश राजभर जी ने भी बोला था, और इसके पहले भी प्रखर होकर उन्होंने विरोध भी किया है, उसके बावजूद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वीकार क्यों नहीं करते कि जातिगत धार्मिक आधार के बावजूद भी आप जनता को वो भरोसा दिलाने में नाकाम रहे, उसको स्वीकार करिए आप। देखिए देखिए इसका जवाब है, देखिए मान लेते हैं इसके, अभी सपोज मान लीजिए कि समाजवादी जीत जाती वहां से, तो अभी हम बैठ के यही कह रहे होते, मैं कह रहा होता कि अखिलेश यादव चमत्कारी नेता, ऐसा आप नहीं मान रहे थे कि जीत जाती सपोज। नहीं, मैं कह रहा हूं भाई हम 8,000 वोट से हारे हैं, मैं कह रहा हूं कि हर चीज के पहलू होते हैं, हम हारे हैं हमसे सवाल पूछा जाएगा, नहीं चले जाते, अगर चले जाते या डिंपल यादव कैंडिडेट, अगर का जवाब नहीं है क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, डिंपल यादव कैंडिडेट होती तो क्या हम जीत लेते, क्या अखिलेश यादव चले जाते तो क्या हम जीत लेते, क्या हम गुड्डू जमाली को ही बुला के लड़ा देते तो क्या हम जीत लेते? अब रिजल्ट आ गया है, अगर मगर की जगह नहीं है, समाजवादी के लिए इतना बचा है। और मैं सुभाष भाई, अपने पत्रकार भाई कंचन भाई और कंचन जो हमारी कंचन जी हैं उनका भी शुक्रिया अदा कर दूं कि समाजवादी पार्टी के लिए अब ये बचा है कि हम बैठ के देखें कि हम हारे क्यों हैं, और इस पे ध्यान ना दें कि ये रीजन था वो रीजन था, हम इस पे ज्यादा ध्यान दें कि वोटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक का जो रुझान है वो क्या है, क्यों इतना माइनॉरिटी का वोट गुड्डू जमाली के पास गया, ये हमारे लिए मंथन करने की वजह है। मैं खुद इस बात को लेकर जाऊंगा जहां तक जा सकता हूं, जितनी मेरी हैसियत औकात है वहां तक लेके जाऊंगा कि क्यों वो वोट जो आपके आपका था आजमगढ़ जैसी जगह में वो उधर गया, इस पे हम लोगों को बैठ के मंथन करने की जरूरत है, ये वो वक्त है। ठीक है कंचन जी, अतीक खान सुभाषपा से हैं, अभी ये अपनी हार के बारे में बता रहे थे कि ये पूरा जो चुनाव था ये प्रशासन की वजह से हुआ, और ये बताने लग गए कि आप लोग लगातार जो विधायकों को खरीदने में लगे रहते हैं, प्रशासन को समेटने में लगे रहते हैं कि चुनाव होना बिल्कुल एकदम हम लोग के हक में हो जाए, क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये अपनी हार का ठीकरा जो है वो आप ही लोग के ऊपर फोड़ रहे हैं? ठीक है, वो एक बहुत ही सस्ती जो एक वाचक पदार्थ होता है उस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। खैर मैं इस बात पे नहीं जाऊंगी क्योंकि वो एक राजनीति के हिसाब से बोल रहे हैं और राजनीति करना उनका धर्म भी है, ठीक बात है, लेकिन अगर वो उस बात को स्वीकार करते वो वही पॉइंट है जो उनके नेता बड़े नेताओं का पॉइंट होता है, तो उसमें इतना बहुत दम नहीं है। ये तो आपके बड़े नेता हमेशा कह रहे हैं, जो भी आपके साथी हैं वो सब कह रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा बोलते जो कि अभी
तारिक साहब बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको इन चीजों को एहसास है कि चीजें क्या होनी चाहिए और क्या है। अगर यही सारी चीजें अखिलेश जी को बता दी जाती तो बेहतर होता। बाकी हम क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया अपनी सरकार में, हम क्या कर रहे हैं अपनी सरकार में, अगर हम अपनी सरकार में अच्छा नहीं कर रहे होते तो आपका गढ़, आपकी नाक, आपका घर हमारे पास कैसे आ जाता, वो भी इतने अच्छी तरीके से, और दो दो गढ़, दो दो जगह जहां पर आप लोग अव्वल तरीके से रहते थे वो गढ़ आपके चले गए। तो जहां से आप, आपके बाबा मामा पापा फूफा सब रहते थे राजनीति में, आपका वो घरेलू एक जो घर गढ़ कहते हैं वो अब नहीं रहा। तो इससे सोचने वाली बात है कि कुछ ना कुछ तो हमें ऐसी बात होगी, कुछ ना कुछ हमारी पार्टी में ऐसी बात होगी, हमारे संगठन में ऐसी बात होगी जो उनको छू गई, जो उन लोगों को जो आजमगढ़ में रहते हैं, जो जनता है उन लोगों के घर कर गई। और फिर अगर मैं थोड़ी सी भी बात करूं, जिस प्रकार से बात हो रही है कि गुड्डू जमाली को जो माइनॉरिटी का वोट चला गया, विचार करने वाली बात है कि अगर गुड्डू जमाली को वो वोट नहीं, ये कहो, ये लोग बार बार कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर गुड्डू जमाली नहीं होते ना तो शायद बीजेपी के पास और सारा वोट आ गया होता। ये कहो कि उन लोगों ने सहयोगी किया इनका कि वो अलग हट गए तो इनको थोड़ा सा वोट उनका कम हो गया, वरना और भी ज्यादा हमारे पास। सोचने वाली बात है कि फिर वो वोट कहां जाता अगर माली नहीं होते तो। विचार करना चाहिए। आपके इस वक्त पे हंस रहे हैं ये लोग क्यों भाई? अब मुझे नहीं पता, तारिक खान भी हंस रहे थे, सुभाष भी हंस रहे थे। कंचन जी, इसके फिर आप 100% वोट अब लेना चाहती हैं, थोड़ा विपक्ष के लिए छोड़ दीजिए कुछ वोट हम लोगों के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं बस विचार करने की बात कर रही हूँ कि जो आप, जो हमारे अखिलेश जी के साथ में रहने वाले लोग हैं या फिर ये कहने वाले लोग हैं कि वो तो सपोर्ट कर रहे हैं मायावती, उनका सपोर्ट कर रही है, बीजेपी का सपोर्ट कर रही है, तो जरा ये सोचो थोड़ा सा जमीनी स्तर पर सोचो कि अगर वो नहीं होते। देखिए सुनना है वो उनका अपना, वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना कैंडिडेट जरूर खड़ा करेंगी। अतिक जी आपका कहना गलत है, लोकतंत्र हमारा संवैधानिक प्रक्रिया, खड़ा करें, वो भी खड़ा करें, लड़ने का अधिकार है, वो भी खड़ा। आप ऐसे कैसे बार बार उनको बी टीम बोल रहे हैं? अरे जिस पार्टी को बी टीम बोल रहे हैं उसी पार्टी के आप घटक दल हैं और उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो उन्हीं की बदौलत जीते। आज गठबंधन नहीं था तो क्या हाल हुआ आपके? अपनी गलतियों को तलाशने की बजाय दूसरी पार्टी को ठीकरा फोड़ देते हैं, तलाशिए ना। आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि फील्ड में उतरिए, धरातल पर उतरिए, उनको कम से कम चरितार्थ करिए ना, उनके लाइन पे चलिए। आप किसी को बी टीम मत बताइए। अभी तक तो मेरे हिसाब से राजभर जी का ये बयान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन आप बार बार उन्होंने ये कहा है कि मायावती और अखिलेश की लड़ाई में जनता को नुकसान, जनता को नुकसान हो रहा है। वो प्रयास करेंगे एक बार बहन जी से मिले, वो ये चाह रहे हैं। आप तो बी टीम बता के दरवाजे को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमने बी टीम नहीं कहा, हमने बी टीम नहीं कहा, हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसको ईडी और सीबीआई का डर रहता है। आप लोग भी दूसरी वॉशिंग मशीन से निकल गए हो। हम अपने काबिलियत पे थे, हमारे पास वोट बैंक था, हमारे पास वोट बैंक था, भारतीय जनता पार्टी ने हमें ऑफर किया, हम लड़े और पूर्वांचल में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को हमने जीत भी दिलाया था उस समय। उसके बाद हमारे कहने पर नहीं चले, कहीं ना कहीं हमारी बातों को नहीं रखा। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात हुई थी, जातिवाद जातिवाद जनगणना की बात हुई थी, ये नहीं मानी। हम भी सच बोलेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। बोलिए सच, बोलिए सच। तो देखिए क्या आपका और हमारा क्या क्या मतलब था और किन चीजों की वजह से आप चले गए, क्या आपको नहीं देने को मिला, ये बातें कोई करने जैसी नहीं है। वो हो गया, आप यहाँ आप सुखी रहे, मैं ही चाहेंगे। नहीं, मैं बताता हूँ, चलिए ये तो आपकी दुआएं हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप जैसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में हो जाए तो शायद काफी सुधार आ जाएगा पार्टी में, है ना। आप देखिए कि आप कहाँ बिगड़ गए, आपको पछतावा होना चाहिए कि आप कहाँ, हमें लगता है ये बताइए, पछता भी रहे हैं, पछता भी रहे हैं, निकल पा रहे हैं, उगल पा रहे हैं। देखिए नितिन भाई एक बहुत कड़वी सच्चाई बता दूं, क्योंकि गाय बगाए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को नसीहत तो दे ही बैठते हैं। कंचन द्विवेदी जी हमारी बहन वास्तव में बहुत अच्छा बोल रही है, ऐसी बात नहीं। मैं आपको बताऊं बहन जी कि जैसे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, तो आपको एक आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी हमेशा चुनावी मूड में ही रहती है। भारत की पहली ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को खुल के टक्कर देती है और अपनी बात को पूरी तरीके से रखती है। हमारी पर डे 300 से 350 मीटिंग होती है। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मीटिंग कर रहे हैं। पार्टी के बारे में अच्छा सोचते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस टाइम पे टक्कर मुगल भी आए थे। मैडम मुगल जब आए थे तो उनको लगा कि क्या कहना चाह रहे हो आपकी समाजवादी पार्टी सतर्क रहे। सतर्क की बात नहीं, मैं बताऊं
जब मुगल आए तो उनको ये लगा कि भारत पे राज हमें पूरी जिंदगी करना है, वो भी चले गए। अंग्रेज आए, उनको भी लगा कि भारत पे खूब राज करना है, वो भी चले गए। कांग्रेस आई, उसको भी लगा हमें भारत पे खूब राज करना है, वो भी चले गए। और भारतीय जनता पार्टी की भी वही हाल होनी है। दो चार साल की और बात है, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियां, ये कोई काम नहीं करती। जब जनता सड़क पे आ जाएगी, जब जनता रोड पे आ जाएगी, तब आपकी कोई भी जांच एजेंसी काम नहीं करेगी। और वो समय दूर नहीं है जब आप भारत को श्रीलंका की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ठीक है गंजन जी, हमारे पक्ष में नहीं आता। ठीक है गंजन जी, ठीक है। अरे आपके पक्ष में गया कहां है? ठीक है दीपक भाई, प्लीज हो गया। शासन अरे का शासन ने जहां 900 वोट पढ़ना चाहिए था, यहां पर 6 वोट पड़े हैं। आपको अभी भी इख्तियार नहीं दिया, कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो शासन प्रशासन तो मैं क्या करूं? जी मैं इनके साथ खड़ा हो गया। नहीं ज्यादा बड़ा खान तारिक खान ने हार एक्सेप्ट कर लिया। अतीक खान अगर नहीं करेंगे ना, मैं अतीक भाई के सवाल का जवाब दे दूं, क्योंकि हमें हराया गया है। तो आपके एक्सेप्ट ना करने से आपकी हार जीत में निकल जाएगी। डेढ़ साल और एस कर लीजिए मैम। हम जो यहाँ बोलते हैं, योगी जी को एक दफा से दूसरी दफा चुनाव में जिता करके भेजा है बहुत अच्छी तरीके से, और इस बात को याद रखिए। प्लीज प्लीज, कभी भी ऐस नहीं करती है। ठीक तारिक भाई, जल्दी से बेगुनाह लोगों का घर गिराने होंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती, एक दिन की छुट्टी नहीं लेते हमारे बड़े नेता आप लोगों की तरह। ठीक है, हम जो यहाँ पर बोलते हैं भाई, एक मिनट, बकवास वाली बात है। हम जो यहाँ बोलते हैं वो एक तरीके से आप अपनी बात नहीं कर रहे, पार्टी का मैसेज होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम जनता, ये हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आपने मैंडेट दे दिया, दूसरे आदमी जा रहे हैं लोकसभा में, कोई बात नहीं। आपने सत्यजीत जी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? नहीं, उनके उनके क्या सवाल थे? उन्होंने सारी चीजें बताई थी, कैंडिडेट से लेकर के एक्स वाई जेड जितना भी था सब। अरे नहीं नहीं, तो वो सवाल में मतलब मुझे ध्यान नहीं था। सत्यजीत जी क्यों भाग रहे हैं आपके सवालों से? नहीं, अरे सारे सवाल पूछे, मैं तो जवाब दूंगा उनका सारा। बस मैं एक चीज पूछ लूं कि आप क्या मुबारकबाद दे दूं विधानसभा उपाध्यक्ष बनने की? सरबजीत भाई, मैं देखे तथ्यात्मक बात कीजिए। अगर तथ्यात्मक बात करेंगे तब तो जिरह करते हुए अच्छा लगेगा। हाँ, बोलिए। और तथ्यात्मक बात नहीं करेंगे तो जिरह ऐसे नहीं पूछेंगे। देखिए, आप चैनल पे बैठे हैं, बुरा मत मानिएगा इस बात का। जो है अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा कि उपचुनाव का कोई महत्व नहीं है। अब बताइए, आप जैसे लोग चैनल पे बैठ करके कहते हैं उपचुनाव का कोई महत्व नहीं है, आप कहते हैं कि श्रीलंका बना हो जाएगा, आप क्यों ऐसा कहते हैं कि भारत श्रीलंका, आप क्या मनाते हैं, इस बात की प्रार्थना करते हैं कि श्रीलंका जैसा हो जाए? अरे आपको तो ये कहना चाहिए कि श्रीलंका की हालत चाहे जैसी क्यों ना हो, लेकिन भारत स्वर्णिम अवसर से और स्वर्णिम स्थिति में आएगा, ये बोलना चाहिए। ये पाकिस्तान हो जाए, आप जब बांग्लादेश हो जाए, ऐसे स्वर्णिम स्थिति में आएगा, तो एसी में बैठे लोगों के हिसाब से आएगा। आप क्या राम राज्य ले आएंगे? राम राज्य तो है ही। हुआ बेगुनाहों का घर गिराया जा रहा है, राम राज्य है ये? आप बेगुनाहों का नहीं, आपके जो बड़े आला कमान है ना, उनके जो माफिया लोग हैं उनका दर्द करेगा, और जो गुंडा गति करेगा उनका दर्द करेगा, ये राम राज्य है। सत्यजीत जी ये तारिक खान क्यों कह रहे हैं उपाध्यक्ष की बधाई? आपको विधानसभा उपाध्यक्ष की बधाई दे दें कि रुक के दें? नहीं नहीं, ठीक है, आप भी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करके आए हैं, और वहाँ से तो भक्के आए हैं, तो भगाए गए हैं, पता नहीं। तारिक खान सपा से हैं, तारिक खान सपा से हैं सब जी। तारिक खान सपा से हैं, अच्छा ठीक है, बात समझे, भाजपा से। देखिए, इनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि जब 2012 में आदरणीय सुभाष सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की हुकूमत आदरणीय अखिलेश यादव को सौंपी थी, और आपको तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि 1992 में समाजवादी पार्टी गठन दो भाइयों ने मिलकर किया था। आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए, आपको इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि मतलब सच किसी को नहीं बोलना चाहिए, और इनको तो आईना कोई ना दिखाए। देख लीजिए, कोई आईना दिखाएगा तो कहेंगे कि आप बोल क्यों रहे हैं। अब रही बात, आप आगे चले जा रहे हैं, बात तो यही है ना, आपका ठेका ले रखा है ना। आप तो कहते हैं कि भाई क्यों रुके हो, जाओ अभी तो धर्मेंद्र को भगाएंगे, आजम खान साहब के साथ क्या होगा मैं नहीं जानता, आदरणीय सुभाष सिंह यादव के साथ जो हो रहा है दुनिया जानती है, बस पर भी बैठते हो तो कहाँ बैठा देते हो मैं जानता हूँ इस बात को, आप भी जानते हो इस बात को, कहने वाली बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सम्मान जहाँ मिलता है व्यक्ति संघर्ष नहीं करता है, अगर सम्मान नहीं मिलता है तो संघर्ष नहीं हो पाता है। और फिर मैं कहूंगा, हमारी बात सुन लीजिए, अंतिम लाइन देखिये, समाजवादी विचारधारा को अगर जीवित रखना है और समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के अगर अपने आप को प्रतिबद्ध रखना है,
जो ममता मूलक समाज की रचना की बात की जाती है, जो समता मूलक समाज की रचना की जाती है, जो ममत्व पर आधारित हो, और देखिए तथाकथित समाजवादी बनने से काम चलने वाला नहीं है, और समाजवादी विचारधारा को के मूल को पकड़ना होगा और ऐसी कमरों से निकलना होगा। और प्रचार करते नहीं जाते हैं तो उसमें हमारा दोस्त नहीं आपका दोस्त है, दोनों सीटें हार जाते हैं तो उसमें मेरा दोस्त नहीं आपका दोस्त है। आप आत्ममंथन के लिए, आत्ममंथन करने के पहले ही आप निर्णय दे देते हैं, आप निर्णय लिए बैठे हैं कि मतलब हमारे साथ जबरदस्ती की गई, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। अरे आप बैठते, चिंतन करते, विचार करते, सलाह करते कि क्या क्या वजह है जिसकी वजह से हम हारे हैं, तब तो अच्छा लगता, उसके बाद निर्णय देते। आप तो निर्णय सड़क पे दे देते हैं, विचार मंथन आत्ममंथन करने की जरूरत पड़ती नहीं आपको। तो आप पहले अपने गिरेवान में झांकिए और गिरेवान में झांक करके देखिए कि कहां कमियां रह गई हैं। अगर कमियां रह गई हैं तो उसका सुधार कीजिए, अगर सुधार नहीं करते तो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय सुभाष यादव विराट दिल के नेता है, बड़े दिल के नेता है, मुझे आपको सीखने की जरूरत है और आदरणीय अखिलेश यादव को भी सीखने की जरूरत है। हम कहते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष की बधाई दे दूं आपको पहले से, दे दीजिए ठीक है प्लीज, विधानसभा उपाध्यक्ष बनने की बधाई दे दूं आपको, अग्रिम बधाई ठीक है। आप लोगों को ऐसा ही बधाई देते रहेंगे, आपका हाथ रही होगा कि आप बधाई देने काबिल ही बनेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की जरूरत नहीं थी, पूरा काम तो आप ही कर रहे हैं उनका। नहीं, आपका बहुत सम्मान है, आप बहुत वरिष्ठ हैं। ठीक है नवीन भाई, आपने सबकी बात सुनी, आप समाजवादी पार्टी को आगे क्या करना चाहिए? देखिए एक चीज है, हम लोगों ने लगातार ये बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का बहुत अंधकार में भविष्य नजर आ रहा है और जिस तरीके से गढ़ उनके ध्वस्त हो गए, और हम लोग ये बात और कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आगामी जो है उसमें अब कौन लड़ेगा, ये बड़ा सवाल है कि क्या शून्य हो जाएगा विपक्ष उत्तर प्रदेश में। तो तुझे लग रहा है सड़ने वाले मुख्य चीज ये है कि आप आज की तारीख में लड़ने वाली समाजवादी पार्टी थी और उसकी स्थिति दिखाई बहुत बुरी थी कल के नतीजों को देखकर। तो मुझे एक बात लगती है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगती है कि आने वाले समय में कोई भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में नहीं होगा, और जो लड़ाई होगी बसपा और सपा की होगी, और सपा और बसपा की लड़ाई होगी भाजपा तक पहुंचने की, यानी भाजपा से कौन लड़ेगा ये लड़ाई होगी। इस बीच में एक चीज बार बार हम लोग कहते रहे, लेकिन इस वक्त हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विजय की बात कर रहे हैं और ध्वस्त होने की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, उसमें एक अपवाद स्वरूप एक बिंदु पे भी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिनिधित्व कर रही है उनको इस बात को गौर करना होगा, भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे गौर करना होगा। कल के नतीजे में एक पॉइंट ऐसा भी है जो भाजपा को सताने वाला है बड़ी विजय के बाद भी, वो ये है मायावती जी ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया लगातार, जिसमें वो सफल होना चाह रही हैं, यानी एक नए प्रयोग के तौर पे, वही पुराना प्रयोग जो फिर से वो एक नए रूप में लाना चाह रही हैं कि दलित और मुस्लिम इस कॉम्बिनेशन को अगर ये सफल हो जाता है तो कल के नतीजों पर एक गौर करिए, एक लंबे समय के बाद बहन जी मायावती जी के बसपा की सीट पर दलित वोट अच्छा खासा आया है, वो दलित वोट जो भारतीय जनता पार्टी के पास में चला गया था वो वापस होता नजर आ रहा है, ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। अगर जिस तरीके से मुस्लिम और यादव प्रयोग हुआ अच्छा खासा सफल तो नहीं कहेंगे, लेकिन लड़ाई में वो शामिल हुई समाजवादी पार्टी, अगर खेल पलट जाता है, अगर सपा और बसपा की लड़ाई में सपा को किनारे लगा के बहन जी मायावती और दलित और मुस्लिम एक कॉम्बिनेशन तैयार करती है और मुसलमानों का विश्वास एक बार बहुजन समाज पार्टी के साथ में बिल्कुल बल्क में हो जाए, बड़ा कल्पना कीजिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और दलितों की वापसी हो जाए। दलितों की वापसी मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल के चुनाव में आजमगढ़ में दलितों का वोट जिस तरह से बहन जी को मिला है ये काफी लंबे समय बाद मिला है, दलितों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों गरीबों दलितों के लिए किया है, उनकी योजनाओं में दलितों को फायदा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे घर वापसी नजर आई है और ये घर वापसी भाजपा के लिए आप भी प्रवक्ता बन जाइए भारतीय जनता पार्टी, आप सबको प्रवक्ता क्यों बना रहे हैं भाई? नहीं उनकी सुन लीजिए वाणी कितनी मीठी वाणी बोल रही है, जो हार जाता है ना वो जितने स्वीकार नहीं करता, जितनी चीजें आपने गिनाई वो गुड्डू जमाली के व्यक्तिगत वोट पे ठीकरा फोड़े दे रहे हैं, जो 2 लाख प्लस वोट मिले हैं वो बहन जी के वोट नहीं थे, गुड्डू जमाली के व्यक्तिगत वोट थे पहली चीज। अच्छा गिने ना आपने, गिने क्या थे, गिने आपने
गिना है आपने जाके? बिल्कुल गिना है मैंने भाई। मैं गिना है आपने? ये पागल नाम की आपकी निशानी है? आप बता रहे हो वोट आपने गिने हैं? अनुमान के ऊपर वोट दे रही है। फालतू बातें कर रहे हैं आप। पूर्वांचल से हैं, मुझे नहीं पता कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन जहाँ की बात हो रही है मैं उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। गिने हैं सारे वोट। बोल रहे हैं बार बार की वो उनके व्यक्तिगत वोट थे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। गुड्डू जमाली पर्टिकुलर एक विधानसभा को रिप्रेजेंट करते थे इससे पहले मुबारकपुर को, तो मुबारकपुर में अगर उनके वोट को काउंट भी किया जाए उनके व्यक्तिगत वोट तो कितने होंगे? उनको 2,66,000 वोट मिले पूरे जिले में। सुन लीजिए, क्या सारे वोट उनके व्यक्तिगत थे? दलितों का उनको ट्रांसफर नहीं हुआ? माइनॉरिटी का उनको नहीं मिला? मदद की है। अब आप कोरोना वाली मदद पे आ गए? जो बहन जी को क्रेडिट दिया जा रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ गुड्डू जमाली के व्यक्तिगत वोट बिल्कुल उन्होंने बहुत संघर्ष किया। ऐसी बात ये फिर वही बोल रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी को और आप बहन जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यही भूल आपको ले डूबी है अभी बाई इलेक्शन के अंदर, और इसी भूल के अंदर रहेंगे तो 2024 के अंदर भी आपकी जो भी 3 सीटें बची हुई है आप जीरो पे आ जाएंगे। नहीं पड़ा है, जीरो पे आ जाएंगे। अरे डेढ़ साल के लिए जनता ने, देखिए डेढ़ साल के लिए जनता ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन 2024 में जनता तो वैसे ही बता रही है। आप अपने साथी से सहयोगी से सीखिए, जो आपका बड़ा दल है जिसने बड़ा दिल दिखाया, कम से कम इस डिबेट के माध्यम से एक्सेप्ट तो किया, आप तो स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे। वो तो कई सारे मुद्दों पर ले आ रहा है कि मायावती की वजह से हार गए, गुड्डू जमाली की वजह से हार गए। फिलहाल चलिए एक बात काले विपरीत बुद्धि। देखिए ऐसा है कि बीएसपी का जो रोल है उसको अब जरूरत यह है, मैं खुद इस चीज को आगे बढ़ाऊंगा कि बीएसपी का रोल सही नहीं है, क्योंकि एक तरफ वो ये भी दिखाते हैं कि थोड़ा सा उनको है राजनीतिक दल, मेरा पूरा तो कंप्लीट तो करने दीजिए। हम अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि हम उनके इस चीज को जनता तक लेके जाएंगे। भाई ये जो दिक्कत है बीएसपी की कि लोग कहीं पर वोट कर रहे हैं कहीं पे नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज को जनता तक लेके जाएंगे। ये काम हम जरूर करेंगे आने वाले टाइम। जनता तक बीएसपी के क्या नीतियों को लेके जाएंगे जनता के पास? उसमें समझाने का भाई सुभाष भाई नीति नहीं है, उसमें नीति नहीं है। देखिए समझाएंगे, ये देखिए राष्ट्रपति चुनाव, एक सेकंड सुन लीजिए, समर्थन दिया है इससे साफ हो गया है। हाँ वो जो ड्यूल चेहरा है उसको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार तो नितिन जी बस मैं बोल रहा हूँ, इस प्रकार तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके जो राष्ट्रीय संरक्षक के समाजवादी पार्टी के आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने, मुझे अभी भी याद है 2019 का लोकसभा चुनाव से पहले जो अंतिम सत्र चल रहा संसद के अंदर, तो उन्होंने हाथ जोड़कर से निवेदन किया था कि मैं चाहता हूं कि आप फिर प्रधानमंत्री बने, वो कौन सा चेहरा था उसके बारे में जरा बताइए। देखिए ऐसा है, ये तो भाई उनके अपना एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने समर्थन दिया, उन्होंने एनडीए को समर्थन नहीं दिया, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया, वो भी देख लीजिए डायरेक्ट समर्थन है। थैंक यू, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, नतीजे आ गए और समाजवादी पार्टी के लिए समस्याएं फिर से बड़ी हो गई है, क्योंकि अब 24 का चुनाव सामने है। वो दो सीटें वो हार चुके हैं जहां पर उनके खुद के कैंडिडेट जीत करके आए थे और दोनों बड़े चेहरे, एक अखिलेश यादव दूसरे आजम खान, दोनों ही सीटें वो हार चुके हैं। बीजेपी दोनों ही सीटों पर जीत चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अब यह कहीं ना कहीं इस बात को कहा जा रहा है कि ये डेढ़ साल का एक्सपेरिमेंट जनता ने किया है, 24 में कुछ और होगा, 24 में क्या होगा ये देखना अहम है, लेकिन जो हार के कारण है उन पर मंथन करना भी सबसे जरूरी है। आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।